नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, ऐसा ही एक वाक्या लोकसभा की कार्रवाई के दौरान हुआ, जब एमपी से बीजेपी सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। जब राहुल गांधी को कुल्हाड़ी और खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही तो सदन ठहाके से गूंज उठा। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो। इसलिए अभी राहुल जी कह रहे ये सरकार सूट-बूट है, सूट-बूट की सरकार है, तो सूट-बूट तो वो अपना अपना जीजा का नाम लो ना, वो सूट-बूट पहनता, हम नहीं पहनते। उपाध्यक्ष महोदय, ये अभी ये राहुल जी और ये कह रहे थे क्या हम रेलवे लाइन ले जा रहे और यहाँ खाली जमीन पड़े वहां सरकारी वहां ले जाएंगे रेलवे लाइन? भाई जहां पटरियां बिजली वहीं रेल लाइन जाएगी ना। अरे भाई एक कॉमन बात है, मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता, मैं अगर आंकड़े है मेरे पास आंकड़े, मैं आंकड़े नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि अभी समझो आप, ये इस देश के लिए उपाध्यक्ष जी ये देश के लिए ये बहुत बहुत अच्छा कानून है, और जब तक हम जहां जहां अगर छोटे छोटे अगर उद्योग लग सकते हैं, आज क्यों चाइना का इतना माल आ रहा है हमारे बाजार में बेच रहे, ये बंद करा दे, इनके राज में कितना चाइना का माल आया, कहा चाइना का माल यहाँ बिक रहा, माफी मांग सिंधिया जी प्लीज टेक। ज्योतिराज जी, आप व्यापन के मामले में आपके नेता ने माफी मांगी, कोर्ट ने खारिज कर दिया, और क्या चाहिए आपको? उपाध्यक्ष जी, इसलिए मैंने ज्योतिष को इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी दो आए, अगली बार दो ने अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, पूरी के पूरी नगर निगम में आई, पंचायत पूरी के पूरी आई, क्या फैसला चाहते आप? जनता तो फैसला दे रही कि इस देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता करे, ये गरीबों की दलितों की किसानों की सरकार है, किसान खुद चाहते हैं। आप लोग ये चिल्ला रहे हैं, आज कौन आदमी खेती करना चाहते, आओ हम आपको झाबुआ में जमीन देना चाहते, आओ खेती करो। राहुल आया हुआ था, राहुल को हम जमीन देना चाहते, उपाध्यक्ष महोदय ये हम खेती भी दे देंगे राहुल को, चाहिए तो कुल्हाड़ी भी दे दे, लकड़ी काटने के आदमी को नहीं काट सकते। Yeah.